तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं एर्नाकुलम जंक्शन पर। अभी हम मुंह धो के सुबह के 6 बज रहे हैं अभी, तो कहीं पर देखते हैं व्यवस्था, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। गाइस सुबह हो गई है, हम आ गए हैं हॉस्पिटल केरला में। ये एर्नाकुलम में हॉस्पिटल है, यहाँ पे मैं आ गया हूँ और राघवेंद्र उधर लाइन में लगा हुआ है सामने। ये देखिए, ये डॉक्टर को दिखाने के बाद अभी थोड़ा सा और लग रहा है कि मैंने नहाया नहीं है, मुंह नहीं धोया है, क्योंकि ट्रेन से उतरने के बाद डायरेक्ट यहीं पे आ गया हूँ सुबह सुबह। चलिए अभी एक रूम वगैरह करते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ, क्योंकि पहले मेरे को डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर क्या कहता है पूरी डिटेल आपको दूंगा। जो लोग यहाँ पर कह रहे हैं उनके अनुसार ये हो सकता है, अगर इन लोगों ने बोला तो 3 महीने के अंदर ये ठीक कर देते हैं। यहाँ का जो आयुर्वेदिक है वो बेस्ट है, वर्ल्ड का बेस्ट। तो गाइस फाइनली हमने डॉक्टर को दिखा लिया है, डॉक्टर ने बोला है हमसे क्या है वो ट्राई कर सकते हैं, मतलब मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा सकते हैं। तो मैंने उनसे बात की कि मेरा सिस्टर का शादी है अभी 9 फरवरी का, वो ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं आऊँगा, तो मार्च के अप्रोक्स में आ जाऊँगा इधर पे। तो उन्होंने बोला है कि मार्च के लिए अभी यहाँ पर बुक कर दो रूम। मैंने उनसे पूछा कि आप कितने टाइम में ठीक हो सकता हूँ क्या मैं, तो वो बोलते हैं कि आपको पूरा चेक करना पड़ेगा कितना टाइम लग सकता है, क्या ट्रीटमेंट देना है, लेकिन आपकी सिचुएशन समझ के, मतलब उन्होंने मेरी पिछली रिपोर्ट्स वगैरह देखी, तो वो कह रहे हैं कि हम लोग ट्राई मार सकते हैं। तो मेरे लिए खुशखबरी है, और जो मुझे पसंद करते हैं आप लोग सभी लोग, मेरे घर वाले सबके लिए खुशखबरी है कि फाइनली केरला हॉस्पिटल में मेरा इलाज शायद पॉसिबल है और मैं 1 महीने बाद यहाँ पे आऊँगा। और अभी के लिए मैंने कुछ दवाइयाँ ली हैं, कुछ सिरप ली हैं और एक ऑयल दिया है उन्होंने, जिसको मेरे को मालिश वालिश करना है, एक्सरसाइज कंटिन्यू रखने के लिए बोला है। और यहाँ पर एडवांस बुकिंग के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि 10:30 पर यहाँ पर विंडो ओपन होगी और अभी से एडवांस बुकिंग करनी पड़ेगी 1 महीने पुरानी, जिससे कि बाद में रूम मिलने में प्रॉब्लम ना होगी। काला अंगूर है भाई साहब। बैठ, रूम बुक हो गया हमारा। हाथ हटाओ मत। कहाँ पे बैठे हो? समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे क्या खा रहे हो? चाउमीन। क्या कर रहे हो? एकदम से घर जाने का प्लान कैसे बन गया? आप तो कन्याकुमारी जाने वाले थे। अरे मन नहीं लग रहा है। तो गाइस हम जा रहे हैं वापस बेंगलोर। बेंगलोर एक आध दिन रुकेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे अपने घर के लिए निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा गर्मी का माहौल था और हमें लग रही थी थोड़ी सी प्रॉब्लम। तो मैंने सोचा बेंगलोर जाऊँगा, वहाँ पर भी दिक्कत है और एक और समस्या है, मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में बात ना करूँ, लेकिन बेंगलोर पहुँच के बात करते हैं। मैं जो है यहाँ से जाने वाला था कन्याकुमारी, मैंने टिकट वगैरह सब कुछ बुक कर लिया था, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इस चक्कर में मेरी तबीयत जो है बिगड़ रही है। भाई लो, हमारी ट्रेन आ रही है और इधर पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। सो हे एवरीवन, फाइनली मुझे सीट मिल गई है और मैं इधर पे, ये वाली सीट मिली है मेरे को, एक लड़की है यहाँ पर पास में जिसको शायद मेरी कंडीशन पर रहम आ गया है और उसने मेरे को सीट दी है, तो थैंक यू सो मच। इधर केरला में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, मेरे को इतने सही लोग, मतलब काफ़ी हम्बल लोग हैं यहाँ पर, तो थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं घर पहुँच के, मतलब बेंगलोर पहुँचेंगे अप्रोक्स 7 o'clock, तो वहीं बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरी व्यवस्थाएँ थोड़ी सी सही नहीं है। मैंने अभी ये खाना लिया है, इसको खाएंगे उसके बाद बात करेंगे।